हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई वेलकम यू ऑल टू टॉपिक स्टडी यूट्यूब चैनल। एंड देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 24 दिसंबर के डेली करंट अफेयर्स क्विज। अगर आप SSC, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट PCS, UGC, NEET, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अदर जिस भी तरह के अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ईजिली रेफर कर सकते हो। एंड दिस कोर्स इज प्रेजेंटेड बाई मी, नैना दुबे। देखिए, ये रोजाना 7 से 8 के बीच में अपलोड हो जाती है वीडियो। अगर आपको कभी नोटिफिकेशंस ना आए तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे भी चेक कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस रेड बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो क्वेश्चन ऑफ द डे, आज है 24 दिसंबर और हम बात कर रहे हैं इसमें करंट अफेयर्स पार्ट से कि जैसा कि मैंने कहा है कि मैं जो क्वेश्चंस जो हम लोग पढ़ते हैं उसको हम यहाँ रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइएगा कि ACI शेर संरक्षण परियोजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। और सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, पतंजलि के वर्ल्ड हर्बल फॉरेस्ट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस शहर में किया गया, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस है, आप इसका आंसर्स कमेंट करिएगा। एंड स्टैटिक पार्ट से आप मुझे बताइए कि भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो आज के हमारे बनते हैं 3 क्वेश्चन। इसका भी एक हिंट देती हूँ मैं कि ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान जो है एक ही राज्य के हैं, ठीक है। तो अब आप कोशिश करिएगा कि इन तीनों क्वेश्चन के आंसर्स आप कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड कल जो मैंने क्वेश्चंस पूछा था, यस्टरडे आंसर्स, तो 23 दिसंबर में जो मैंने पूछा था, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने जितने ने भी आंसर्स दिया ना, आप लोग सबके आंसर सही थे, मैक्सिमम सबके सही थे। तो वेरी वेल डन। एंड आप इसी तरह इस क्वेश्चन से अपना भी रिवीजन करते रहिए। तो देखिए, टाइमलेस लक्ष्मण नामक पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये हमारे मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से कौन से सैन्य संचार उपग्रह को लॉन्च किया, तो ये है GSAT-7A। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। स्टैटिक में मैंने पूछा था कि कुचिपुड़ी हो गया, घंटा मर्दाला, उत्तम थेडल, वेदी नाटकम, ये सारे लोक नृत्य के सारे डिफरेंट लोक नृत्य हैं। तो ये किस राज्य से रिलेटेड है, तो ये आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं। ये भी आप लोग सबके आंसर सही थे, तो ये हो गए आंसर्स। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का डेली करंट अफेयर्स क्विज। तो देखिए, अब हमारा पहला क्वेश्चन है, 6ठे युवा नाट्य समारोह के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। तो 6ठे मतलब 6th एडिशन हुई नाट्य समारोह की, और इसका उद्घाटन किया गया, ये की गई नई दिल्ली में। ऑप्शन है हमारे बी। एंड देखिए, ये जो युवा नाट्य समारोह हुई थी ना, तो इसमें जितने भी यंग डायरेक्टर्स हैं ना, उनके लिए ये आयोजित हुई थी। एक तरह का ये थिएटर समारोह था, तो ये 22 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। तो हमारे ऑप्शन हो गए बी, नई दिल्ली। और जैसा कि नई दिल्ली की बात हम कर रहे हैं, तो जैसा हमारा फॉर्मेट है कि अब हम नई दिल्ली के बारे में जान लें कि यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, राज्यपाल अनिल बैजल जी हैं, राजभाषा हिंदी है, और आप हमारे दिल्ली की भी लोकेशन देख सकते हैं, हमारे भारत की राजधानी दिल्ली, ये सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कॉच गोल्डन जुबली चैलेंजर अवार्ड 2018 पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है। स्कॉच गोल्डन जुबली चैलेंजर अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया है सुरेश प्रभु जी को। ऑप्शन हो जाते हैं बी, सुरेश प्रभु जी हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, इन्हें 22 दिसंबर को इस स्कॉच गोल्डन जुबली चैलेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब क्यों किया गया है, बात ये आती है ना, आप इस यहाँ देख सकते हो इस पिक्चर में सुरेश प्रभु जी को स्कॉच गोल्डन अवार्ड सम्मानित किया गया। ये जो स्कॉच की जो 55th समिट इनकी हुई थी, इस समारोह में इन्हें सम्मानित किया गया है। और देखिए, उनके जो सुधार के काम हुए हैं, और विशेष रूप से उन्होंने जो विद्युत के क्षेत्र में, इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में जो सुधार किए हैं ना, उनके योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया गया स्कॉच अवार्ड 2018 से। ये आपको ध्यान रखनी है चीज़ें। और जैसा कि मैं बात कर रही हूँ स्कॉच गोल्डन जुबली चैलेंजर अवार्ड, ये स्वतंत्र रूप से स्थापित नागरिक, मतलब एक नागरिक सम्मान है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, हमारे ऑप्शन है बी, सुरेश प्रभु। यहाँ आप देख सकते हैं सुरेश प्रभु जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने दुनिया भर में ब्रांडेड इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए अपना पहला संचार उपग्रह लॉन्च किया, मतलब ये कौन सा देश?
जिसने दुनिया भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए अपना पहला संचार उपग्रह लॉन्च किया है, तो ये देश है चीन। ठीक है, चाइना हर चीज में ऐसे भी नंबर वन रहती ही है, तो ब्रॉडबैंड की जो सुविधा है, ये इंटरनेट सेवाएं जो उन्होंने प्रदान करने की सोची है, तो उन्होंने इसके लिए अपना पहला संचार उपग्रह को लॉन्च किया है। आप देख सकते हो यहाँ इस डायग्राम में, तो ये ध्यान रखिए कि ये जो संचार उपग्रह है ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिससे जो इंटरनेट की जो सेवाएं मिलती है, तो ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सेवाएं इससे मिलेंगी। ठीक है, और देखिए ये चाइना की जो एरोस्पेस साइंस और इंडस्ट्रीज क्रॉप है, वहाँ की जो एजेंसी है उसके द्वारा ये नियोजित होंगयुंग परियोजना में ये उपग्रह है। ये चीज़ें थोड़ा आप ध्यान रखिए, एक होंगयुंग परियोजना वर्ड इससे रिलेट हो रहा है। होंगयुंग परियोजना क्या है, ये सितंबर 2016 में शुरू हुई थी और इसका उद्देश्य था कि ब्रांडेड जितने भी इंटरनेट कनेक्टिविटी है ना, उसे प्रदान किया जाएगा अंतरिक्ष आधारित संचार नेटवर्क। उससे होगा कि अंतरिक्ष पे जो भी बेस्ड संचार नेटवर्क होते हैं उसका निर्माण करना है, उसके लिए एक ब्रांडेड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। ये थी होंगयुंग परियोजना। तो ये जो संचार उपग्रह चाइना ने स्टार्ट किया है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए, तो ये जो आपकी एरोस्पेस साइंस और इंडस्ट्री क्रॉप है ना, उसके द्वारा नियोजित ये होंगयुंग परियोजना में ही ये उपग्रह आता है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए, अदरवाइज सिंपल सी बात है, अगर आपको सिंपल सी चीज़ें ध्यान रखनी है तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करने वाला ये पहला देश कौन सा है जिसने संचार उपग्रह को लॉन्च किया है, तो ये है आपकी चीन, हमारे ऑप्शन हो जाते हैं डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रसद विकास समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं। तो रसद विकास समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है डॉक्टर विवेक देबरॉय। ऑप्शन है हमारे डी, डॉक्टर विवेक देबरॉय। देखिए ये प्रधानमंत्री के लिए ये रसद विकास समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं और आर्थिक सलाहकार परिषद ने इनका गठन किया है। ठीक है, अब ये समिति रसद विकास जो समिति है ये क्या कहती है, जो समिति जो होती है ना, ये रसद विकास और उससे संबंधित वाणिज्य में जितनी भी मान लीजिए चुनौतियाँ आ रही हैं उसका ये आकलन करेंगी और भारत में व्यापार करने में आसानी हो उसके लिए ये नीतिगत सुधारों को सुझाव देती है। ठीक है, तो रसद विकास समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए डॉक्टर विवेक ओबराय जी देबरॉय, डॉक्टर विवेक देबरॉय, एंड आप इन्हें यहाँ देख सक रहे हो उस पिक्चर में, डॉक्टर विवेक देबरॉय जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के विभिन्न डिजिटल ग्राहक पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के लिए जो विभिन्न तरह की जो डिजिटल ग्राहक पहल लॉन्च की गई है, ये लॉन्च की गई है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी। ये आपको ध्यान रखना है, 21 दिसंबर को लॉन्च की गई है। तो हमारे ऑप्शन हो गए सी, पेट्रोलियम एंड और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे हुए हैं सी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लोकप्रिय असमिया गायिका नाइटेंगल ऑफ असम के रूप में जाने जाने वाली एक गायिका है जिनका निधन हो गया है, इनका क्या नाम है। अब मैंने इन्हें क्यों कवर किया है, क्योंकि देखिए ये नाइटेंगल ऑफ असम जाने जाती थी, नाइटेंगल मतलब बुलबुल, मतलब वो इतना मीठा गाती थी कि उनका नाम ही रखा गया है नाइटेंगल ऑफ असम, ये इतनी ज़्यादा फेमस थी। ठीक है, और ये असम की गायिका है, तो इनका निधन हो गया है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है दीपाली बोर ठाकुर। ऑप्शन हो जाते हैं ए, दीपाली बोर ठाकुर, एंड आप इन्हें इस पिक्चर में यहाँ देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ रहे हैं, किस शहर में प्रीमियर बैडमिंटन लीग 2018 शुरू हुई है। प्रीमियर बैडमिंटन लीग स्टार्ट हो गई है, ये किस शहर में शुरू हुई है 2018 की, ये शुरू हुई है मुंबई में। आप ध्यान दीजिए कि मुंबई में ये 22 दिसंबर को शुरू हो गई है और ये 13 जनवरी तक चलने वाली है, 13 जनवरी 2019 को इसका समापन जो है वो बेंगलुरु में होगा। तो ध्यान रखिएगा ये मुंबई में स्टार्ट हुई है, ऑप्शन है हमारे ए मुंबई। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया, राष्ट्रीय गणित दिवस हमने सेलिब्रेट किया है 22 दिसंबर को, हमारे ऑप्शन है बी 22 दिसंबर। बात ये आती है कि राष्ट्रीय गणित दिवस हम मनाते क्यों हैं, तो श्रीनिवास रामानुजन गणितज्ञ, जो महान गणितज्ञ थे, श्रीनिवास रामानुजन के जयंती के रूप में हम 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। रामानुजन जी हम सब जानते हैं इन्हें, तो देखिए ये हमारे पहले ऐसे भारतीय थे ना जिन्होंने जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी वहाँ का ये फेलो चुने गए थे, और इनफैक्ट जैसे कि हम जान रहे हैं ये बहुत ही अच्छे गणितज्ञ थे। तो इन्होंने जो संख्या सिद्धांत, अनंत श्रृंखला,
आपकी निरंतर अंशों में जो महत्वपूर्ण, ये सारी चीज़ें जो इनकी महत्वपूर्ण योगदान है मैथ्स में, तो इसके लिए राष्ट्रीय गणित दिवस हम 22 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, और ये रहे श्रीनिवास रामानुजन जी, इनकी जयंती के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रही है यहाँ, किस राज्य सरकार ने कालिया योजना की घोषणा की है? कालिया, ठीक है। अब देखिए, कालिया स्टैंड फॉर, पहली बात तो ये ध्यान लीजिए कि ये किस राज्य के द्वारा की गई है, तो ये की गई है उड़ीसा के द्वारा। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं बी उड़ीसा, एंड KALIA, कृषक असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम एग्रीमेंटेशन। ये देखिए, आप यहाँ देख सक रहे हो, कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑर्गुमेंटेशन, ठीक है। ये देखिए, ये इसका फुल फॉर्म है कालिया का, ये आप ध्यान रखिएगा। एंड ये की गई है आपकी उड़ीसा के सरकार के द्वारा, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख भी पा रहे हो कि ये नवीन पटनायक जी हैं जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो इन्होंने किसानों की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उनके किसानों की जो सतत विकास हो सके, उसके लिए उन्होंने 10,000 करोड़ की ये योजना को शुरू किया है। इसके तहत क्या होगा ना कि खेती के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, मतलब खरीफ और जो रबी की फसल होती है उसमें प्रत्येक परिवार को, मतलब ये समझ लीजिए कि 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी प्रत्येक की दर से। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंतर्गत, बट आप इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिए, कृषक असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑर्गुमेंटेशन, ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। और जैसा कि मैंने ये कहा कि उड़ीसा के द्वारा की गई है, तो उड़ीसा के बारे में हम जान लेते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, राज्यपाल है गणेशी लाल जी, राजधानी है भुवनेश्वर, सबसे बड़ी सिटी भी है भुवनेश्वर, राजभाषा है उड़िया, और राष्ट्रीय उद्यान है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान एंड सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि योजना की घोषणा की है? मुख्यमंत्री कृषि योजना ये जाना जा रहा है, ये राज्य है झारखंड। देखिए, झारखंड ने 22.76 लाख का, मतलब इतने पैसों का उन्होंने मध्यम और जितने भी सीमांत के किसान होते हैं उनकी सहायता के लिए आपकी 2,250 करोड़ रुपए की योजना स्टार्ट की है, जिसे मुख्यमंत्री कृषि योजना के नाम से जाना जा रहा है। 2,250 करोड़ की ये योजना है, ये आप ध्यान रखिए, और ये की गई है झारखंड के सरकार के द्वारा। इस योजना के तहत क्या होगा कि 22.76 लाख मध्यम और सीमांत किसानों को 2019 से 5,000 रुपये प्रति एकड़ मिलेगा, ठीक है। और मान लीजिए जैसे बीज की आवश्यकता पड़ती है, उर्वरक चाहिए या अन्य जो भी आवश्यकताएं होती है उसकी खरीद में भी ये परियोजना के तहत किसानों को मदद की जाएगी। ये झारखंड सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है, 2,250 करोड़ की ये योजना है, ये आप ध्यान रखिए। और झारखंड की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ भी आप ध्यान दे सकते हैं, मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास जी, एंड राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू, एंड ये रही झारखंड की लोकेशन हमारी भारत में, ठीक है। भारतीय महिला टीम का मुख्य कोच के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? भारतीय महिला टीम जो है हमारी, उसके मुख्य कोच कौन नियुक्त हुए हैं? तो इनका नाम है WV रमन, ऑप्शन है हमारे ए WV रमन। एंड देखिए, 20 दिसंबर को इन्हें भारतीय महिला टीम कोच, मतलब टीम के कोच नियुक्त किया गया है। ये भारत के जो पूर्व टेस्ट ओपनर रह चुके हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, हमारे भारत टीम के जो पूर्व टेस्ट ओपनर रह चुके हैं WV रमन, और ये हमारे महिला टीम के जो कोच चुने गए हैं, ये आप यहाँ इन्हें इस पिक्चर में देख सकते हैं WV रमन को, ठीक है। तो देखिए, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके 24 दिसंबर के। और मैंने ना कुछ कमेंट्स पढ़े थे आप लोगों के कि मैम 6 मंथ्स के आप करंट अफेयर्स कराइए, 6 महीने के कराइए। तो मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाती हूँ, आप अनअकैडमी पे जाके अगर नैना दुबे सर्च करेंगे ना, तो आपको 6 महीने की करंट अफेयर्स वहाँ मैंने जुलाई से कवर किया है, आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको पसंद आए तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। एंड इस जो वीडियो की जो PDF है ना, ये आपको नीचे हमारे टेलीग्राम ग्रुप का ग्रुप दिया रखा है, आप यहाँ ज्वाइन कर लीजिए, आपको इस वीडियो की PDF फाइल भी मिल जाएंगी। एंड हाँ, जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं वो आपको बिल्कुल कोशिश करनी है कि आप ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे दे पाओ, ठीक है। तो आप मुझे इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।